वेलकम बैक टू आवर चैनल जुडिशरी गोल्ड। आज के इस वीडियो में जो कि फैक्चुअल फ्राइडे का वीडियो है, उसमें मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करने वाली हूँ। क्या है वो फैक्ट, उससे पहले अपन थोड़ी सी चीज जान लेते हैं। एक पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है, आप सभी को पता होगा अगर वो कोई ऑफेंस कमिट करता है तो उसे अरेस्ट किया जा सकता है। अब ये अरेस्ट के जो पावर्स हैं वो किन किन व्यक्तियों को दिए गए, तो तीन व्यक्ति सीआरपीसी के अंदर तीन लोगों की बात की गई है जिनके पास ये पावर ऑफ अरेस्ट होती है। पहला है कौन? पहला है आपका पुलिस ऑफिसर, दूसरा प्राइवेट पर्सन एंड द थर्ड इज द मजिस्ट्रेट। तो लोगों को क्या लगता है कि प्राइवेट पर्सन वाली पावर हमारे पास नहीं है, सिर्फ पुलिस ऑफिसर, जब भी पुलिस ऑफिसर के सामने कोई ऑफेंस कमिट हो रहा है या फिर जब पुलिस ऑफिसर के पास जाके एफआईआर फाइल की जा सकती जाती है तभी सिर्फ पुलिस ऑफिसर के पास राइट है इस चीज का कि वो जाएंगे वहां और वो अरेस्ट करेंगे। सबको एक ये कॉमन सा मिथ होता है, बट बहुत से लोगों को ये दूसरी कैटेगरी मैंने आपको बताई जो लोग अरेस्ट करने की पावर रखते हैं उसके बारे में नहीं पता होता। कौन है वो व्यक्ति? वो व्यक्ति है मेरे और आपके जैसे कॉमन लोग। मेरे और आपके जैसे जब कॉमन लोगों की मैं बात करती हूँ, सेक्शन 43 ऑफ सीआरपीसी, यहाँ पे एक स्पेशल पावर है जो किसको दी गई है, जो हम जैसे लोगों को दी गई है कि अगर किसी व्यक्ति के सामने जो एक पुलिस ऑफिसर नहीं है, अगर उसके सामने एक नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजिबल ऑफेंस कमिट होता है तो उसके पास भी पावर होती है बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 43 टू अरेस्ट द पर्सन कमिटिंग दैट ऑफेंस। लोगों को लगता है क्या कि सिर्फ पुलिस ऑफिसर के पास भाई पावर है, हमारे पास तो कोई पावर नहीं है, लेकिन अगर आपके सामने कोई भी नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजिबल ऑफेंस कमिट हो रहा है तो बिलीव मी अंडर सेक्शन 43 यू आर गिवन दैट पावर टू अरेस्ट दैट पर्सन। अब आप खुद से पूछ सकते हैं कि मैम एक एग्जांपल दे दीजिए कि किस तरीके के ऑफेंस होंगे जो नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजिबल कहलाएंगे। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है मर्डर। मान लो मैं एक सड़क पे चल के जा रही हूँ और वहां पे मैं देखती हूँ कि कुछ लोग मिलके एक पर्टिकुलर इंसान का मर्डर कर रहे हैं, सो आई ऑल्सो हैव दैट पावर टू अरेस्ट दोस पर्सन। अब भाई ये थोड़ा इम्प्रैक्टिकल है कि चार लोगों को मैं एक साथ अरेस्ट नहीं कर पाऊंगी, बट अगर एक कोई पर्सन होता और वहां मुझे अरेस्ट करता होता मैं इजीली उसे अरेस्ट कर सकती थी। अब अगला जो आपके मन में सवाल आएगा इस चीज को सुनने के बाद वो ये होगा कि ठीक है मैम आप अरेस्ट तो कर लोगे, आप सड़क पे से जा रहे थे, आपने देखा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का मर्डर कर रहा था, आपने उसे अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट मतलब डिटेन कर लिया। अब आपने डिटेन तो कर लिया, अब इसे आप लेके कहाँ जाएंगी? क्या आप इसे अपने घर ले जाएंगी या आप इसे कहीं और ले जाएंगी, घुमाने ले जाएंगी? नहीं, हम उसे ले जाएंगे कहाँ? हम उसे ले जाएंगे पुलिस स्टेशन में। अब जब हम उसे पुलिस स्टेशन में ले जाएंगे तो पुलिस ऑफिसर फिर वहां पे चेक करेंगे कि ये इस बंदे ने एक कॉग्निजिबल ऑफेंस कमिट किया है या नहीं किया है, क्योंकि पुलिस ऑफिसर के पास भी सेक्शन 41 के अंदर लिमिटेड पावर है, वो सिर्फ एक कॉग्निजिबल ऑफेंस के केस में ही अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट। विद वारंट तो कर सकते हैं बट विदाउट वारंट सिर्फ वो कॉग्निजिबल केस में ही अरेस्ट कर सकते हैं अंडर सेक्शन 41। एंड अंडर सेक्शन 42 नॉन कॉग्निजिबल में कर सकते हैं बट लिमिटेड है उसका भी स्कोप, जहां पे सिर्फ उन्हें ये पता हो, उन्हें जब क्लियरली पता हो कि सामने वाला व्यक्ति अपना नाम और पता बताने से मना कर रहा है, उस केस में ही वो नॉन कॉग्निजिबल में अरेस्ट कर सकते हैं। तो जब मैं एज अ प्राइवेट पर्सन जिस व्यक्ति ने ऑफेंस कमिट किया था, जब मैं उसे पुलिस स्टेशन ले जाती हूँ तो पुलिस वहां पे जाके ये चेक करेगी कि क्या इस बंदे ने नॉन कॉग्निजिबल या कॉग्निजिबल ऑफेंस कमिट किया है। अगर उसने कॉग्निजिबल ऑफेंस कमिट किया होगा तो फिर पुलिस उसे रीअरेस्ट कर लेगी। अगर पुलिस वाले को लगता है कि नहीं कॉग्निजिबल केस तो कमिट ही नहीं हुआ है, उस केस में उन्हें रिलीज करना पड़ेगा उस पर्सन को। लेकिन अगर नॉन कॉग्निजिबल में भी वो व्यक्ति फिर भी अपना नाम और पता नहीं बता रहा है तब भी 42 के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो सिंपल लॉजिक है, एक प्राइवेट पर्सन के पास राइट होता है अरेस्ट करने का, लेकिन अरेस्ट करते से ही उसे कहाँ ले जाना है, उसे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर के पास लेके जाना है। जब वो लेके जाएगा पुलिस ऑफिसर के पास तो पुलिस ऑफिसर ने क्या करना है, पुलिस ऑफिसर को अपने आप को अश्योर करना है कि हाँ ये कॉग्निजिबल ऑफेंस से कमिट करके आया है। पुलिस ऑफिसर को लगेगा तो वो उसे रीअरेस्ट कर लेगा, नॉन कॉग्निजिबल होगा तो उसे माफ कर देगा, उसे रिलीज कर देगा, अनलेस कि वो सामने वाला व्यक्ति अपना नाम और पता नहीं बता रहा है। तो आई होप
दिस फैक्चुअल फ्राइडे वॉज हेल्पफुल फॉर यू, और आपका एक मिथ जरूर बस्ट हुआ होगा दैट अ प्राइवेट पर्सन ऑल्सो हु इज नॉट अ पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट अनदर पर्सन, बट प्रोवाइडेड कि उसने नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है उस व्यक्ति के सामने जो अरेस्ट कर रहा है. थैंक यू सो मच.